पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है, लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है? तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। ये तो टुच्चियां हैं, सब टुच्चियां। इन्होंने क्या किया, इनका बैकग्राउंड देखो यूट्यूब में जाके। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले, केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। चांद पे गई थी ना दिवाली मनाने, मैं चांद पे गई थी, तुझे मालूम नहीं? तारा ता, ता। टॉम क्रूज के साथ हॉलीवुड की फिल्म चल रही है ना मेरी। ऐसे लोगों को चांद पे क्या मंगल ग्रह भी ना बुलाए। मैं तो हर ग्रह पे हर प्लैनेट पे घूमती रहती हूँ। जब तक बिग बॉस में कोई अंदर नहीं जाता ना, बाहर एकदम ताजा ताजा रहता है, बाहर अंदर जाके मुर्दा बन ही जाता है। तो इन मुर्दों को जिंदा करने के लिए हमको भेजते हैं। मैं गधे का इंजेक्शन हूँ जीता जागता। स्पाइडरमैन बनती क्या अलग अलग, इनको मालूम होना चाहिए पब्लिक को। अब बाद में बोलते क्या हर साल क्या राखी को बुलाते हो, तो अब रहो बगैर एंटरटेनमेंट के। हर पार्टियों में अलग अलग लुक्स करके आके साइज जीरो और हड्डियों का ढांचा बन के आते हैं, और अब हाई सोसाइटी बन के बैठते। आप एक रियलिटी शो में है, रियलिटी शो का मतलब है पूरी दुनिया को, देश की जनता को एंटरटेन करना, जो कि मैंने किया है। काटू लगाने वाले हो या तुम ही इंजेक्शन? पापा तुमको काटू? पापा तुम्हें काटू? तुम मुझे बहुत काट चुके। आदिल भाई मोटे हो गए, यहां पे मोटा हो गया ना। अब तुम मोटे हो या छोटे हो या सूखे हो या गीले हो, मेरे ही हो। एक्चुअली मुझे बोलना अलाउड नहीं है, बट अभी तो मैं सब प्रैक्टिस करने आई हूँ, और कल यहाँ मेरा शूट है। आना जरूर आप लोग, क्योंकि बिग बॉस का घर वाकई जब राखी नहीं होता एंटरटेनमेंट कोई नहीं पाता है, चाहे कोई भी। अरे करने दो इन लोगों को, बगैर एंटरटेनमेंट के रहने दो पब्लिक को। इनको मालूम पड़े कि राखी रहती है तो क्या कभी चुड़ैल बनती, कभी भूत बनती, कितना एंटरटेन करती है। लास्ट ईयर हालवन में शैतान बनी थी क्या? स्पाइडरमैन आल्सो, कभी स्पाइडरमैन बनती क्या? अलग अलग, इनको मालूम होना चाहिए पब्लिक को। अब बाद में बोलते क्या हर साल क्या राखी को बुलाते हो, तो अब रहो बगैर एंटरटेनमेंट के। क्यों अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपना हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठे हुए। अगर आपको हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठना था तो आपको बिग बॉस में जाना ही नहीं था। आप बाहर ही रहते हैं, हर पार्टियों में अलग अलग लुक्स करके आके साइज जीरो और हड्डियों का ढांचा बन के आते हैं, और आप हाई सोसाइटी बन के बैठते हैं। आप एक रियलिटी शो में हैं, रियलिटी शो का मतलब है पूरी दुनिया को, देश की जनता को एंटरटेन करना, जो कि मैंने किया है। आज आधी रात को भी मेरे को बिग बॉस में डाल देना, मैं ऐसा ऐसा करूँगी, ऐसा ऐसा करूँगी ना, वो शालीन का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा सबका। शार्लिन की दुश्मन हो गया तुम? अरे दोस्त है मेरा टीना, ये सब दोस्त है, लेकिन अंदर जाके मुरझा गए हैं ये लोग। स्टार्टिंग में तो चले जाते हैं सलमान खान को शाल में, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब तक बिग बॉस में कोई अंदर नहीं जाता ना, बाहर एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है, बाहर अंदर जाके मुर्दा बन ही जाता है। तो इन मुर्दों को जिंदा करने के लिए हमको भेजते हैं। मैं गधे का इंजेक्शन हूँ जीता जागता। हाँ मैं ऐसा इंजेक्शन हूँ जाके लोगों को मारती हूँ। मैं वो कोरोना और गधे का इंजेक्शन हूँ, डोज हूँ मैं बहुत बड़ा। काटू लगाने वाले हो या तुम ही इंजेक्शन? पापा तुमको काटू? पापा तुम्हें काटू? तुम मुझे बहुत काट चुके। साजिद खान के ऊपर भी शर्लिन चोपड़ा बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही है। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है, लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी। तुम मेकअप 4 किलो का लगा के, साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम? किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो
ये मीडिया है, दूध का दूध पानी की पानी कर देगी। अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है। ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए। क्या है इसको प्रॉब्लम? आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसकी? अभी थोड़ा हम छः महीने रुको, अभी किसी और रेप का केस लेकर आएगी। अरे बहन, तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे। ये गलत बात है ना, पहले खुद तो सुधरो फिर दूसरों को सुधारने बैठ चलो। देखो इन लड़कियों की वजह से ना किसी के साथ सचमुच भी हो जाएगा ना तो दुनिया यकीन नहीं करेगी। ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत उसको रोना इस बात इसलिए नहीं आया, उसको ऐसा लगा आया जो लड़की आप कह रहे हो जिसका नाम ले रहे हो, मुझे तो नाम भी नहीं लेना है। ये हर छः महीने में जाती है किसी पर रेप का केस लगाती है, ये गलत है। साजिद खान एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छी बहन फराह खान के भाई है, इस देश के नागरिक है। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में। ऐसे ही होता है, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं ना लेते हैं। अब तक साजिद खान बिग बॉस में नहीं गया था तो सब चुपचाप बैठे थे, ये गलत बात है ना भाई। अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो, राखी सावंत हमेशा रहती है खड़ी, और खड़ी खड़ी ऐसी कोई भी लड़कियां आए, ये तो टुच्छियां हैं, सब टुच्छियां। इन्होंने क्या किया, इनका बैकग्राउंड देखो यूट्यूब में जाके, कैसे गंदे गंदे कपड़े, बगैर कपड़ों के इन्होंने क्या क्या किया है, गलत बात है। मुझे तो किसी के लिए बोलना ही नहीं है, खुद डर जा रहा हूं राखी का रूप देख। हां रूप देखो मेरा, क्योंकि मुझे अन्याय है ना, जी और जीने दो। देखो जी और जीने दो, कोई इंसान स्टार बन रहा है, आपस बॉलीवुड में काम कर रहा है, काम करने दो उसे, यू नो। आपका करियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो, आपको पुलिस स्टेशन में केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है, सलमान भाई का आतिश के ऊपर, सलमान भाई का आतिश के ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले, समझे ना। मेरे को मिले ना ऐसा फोड़ के तो छोड़ो, ऐसा उल्टा लटका दूंगी ये नींबू के पेड़ पे। हाँ, हो गया क्या? देखिए मीडिया, देखे अभी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो तो बहुत धमाकेदार है, वो तो एक बैटल है, वो तो एक गेम है, उसमें तो देखने का मजा आता है ना। लेकिन दुबई में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले मिलके रहते हैं, कभी हिंदुस्तानी को तकलीफ हुई ना उधर, पहले इंडिया से कोई नहीं भागता है, दुबई में पाकिस्तानी पहले भाग के जाता है और उसको पानी पिलाता है और उसको तकलीफ को यू नो समझता है। हैप्पी दिवाली। हाँ मैंने सोचा सब लोग हॉलीविन बन के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे, आजकल के नया बेचारे जब से कोरोना ख़त्म हुआ है सब लोग इंतज़ार कर रहे कि किसके घर में पार्टी हो, और नए नए घाघरा चोली शोरूम में से ले के पहन के जाए। वैसे उनको इतना शौक है, किसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस मीडिया में दिख जाए, लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं है ये सेलिब्रिटीज। देखो राकेश जी दुबई में आप, हम तो सीधा बोलते हैं हाँ भाई हम तो तैयार हो के आए, हे हेलो मीडिया चलो हमको दिखाओ, पब्लिक तक पहुँचाओ, यू नो। राकेश जी दुबई में आप डांस अकेडमी खोल रहे हो, उसमें एक्टिंग भी सिखाया जाएगा, तो कराटे भी सिखाए जाएंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? कौन सी जगह है हमारी जगह दुबई में, नाम क्या है जगह का? शेख जायद। नहीं शेख जायद नहीं है, शेख जायदी है। नहीं जल्दी से नाम बताओ। शेख जायदी। वो लोग उधर पहुंच जाएंगे, आप गलत बोल रहे हो। नहीं शेख जायदी है, शेख जायद रोड पे। क्या एक अच्छी जगह है वहाँ पे, जितने इंडियंस है वहाँ पे, क्या नाम है थोड़ा सा बताओ? वो ऑफिस है अलकरामा में, अलकरामा में शेख जायद रोड पे सारे इंडियन भरे हुए। आप सोच सकते हो क्या मुझे दिवाली मिस ही नहीं की मैंने, क्योंकि दुबई में इतने इंडियंस है, सबने बाहर दुबई में सब इंडियंस लोगों ने अपना घर सजाया था, इतने पटाखे छोड़ रहे थे, क्या आप बिलीव कर सकते हो? दुबई में वाव है, बड़े बड़े पटाखे, सुरसुरी बॉम, लक्ष्मी बॉम, रावण बॉम, सारे बॉम छोड़ रहे थे दुबई में सब लोग, रियली बहुत मजा आया। वो सब छोड़ो, मेरे बाल कटवा के आई दुबई में, बहुत अच्छा लुक लग रहा है आपका। ये इनका चॉइस है,
कहते बाल कटवा दे तू और छोटी दिखेगी, तो एक काम कर तू टकलाई करवा देती हूँ तो और छोटी दिखूंगी मैं। छन की देखो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, एक्शन है, डिप्लोमा है हमारे पास, हमारे पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा होगा, यही कहेंगे आओ हमारे पास सीखो कुछ बनो, स्टार्स बनाएंगे हम आप लोगों को। गल्फ कंट्री में जितने भी इंडियंस पाकिस्तानी सब लोग हैं, देखिए पाकिस्तान से यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। एक सलून गए थे जहाँ राखी का बाल काट रहे थे, बाल काटा मेरा, वो बोल रहे थे ओनर कौन है, ओनर बोल रहा है एक पैजामा में है एक इंडियन ड्रेस में है, तो बोल रहे हैं हम दो पार्टनर हैं, एक इंडियन एक पाकिस्तानी, सोचो 25 साल से पार्टनर है, कितनी अच्छी बात है। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब दुबई में मिलके रहते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब लोग आओ और डांस सीखो, जुम्बा सीखो, योगा सीखो, एकेडमी में जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी मिलके रहते हैं उधर अब राखी पहुँच गई है। सोचो क्या एंट्री थी, हेलो एवरीवन, राखी जी राय भाई गली या राखी जी यहाँ पे पीछे आओ। हाँ नहीं नहीं कल मैं इधर ही शूटिंग कर रही हूँ मेरा गाना। क्या बात, अरे पीछे पीछे थोड़ा पीछे यार मोबाइल कैमरा लो यार, अरे वो पीछे से ठोकने दे। नहीं 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 राखी जी ने पहले ना ऐसे शूज पहने, यहाँ पे मैम यहाँ पे राखी जी शूट के कल शूट के शूज है ये, बहुत बढ़िया एकदम चमक रहे आप। हाँ तो इसी पे डांस कर रहे और क्या। चलिए रुको 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 यार, कितने देर से आप लोग फोटोज ले रहे हो। अच्छा रुको थोड़ा सा और ले लेते, चलो अकेडमी खोल दी है दुबई में, बहुत बढ़िया। नहीं ना बोल रहे रुकने के लिए कर रहा है, 21 को ओपनिंग है नवंबर 20। हां मतलब अभी जगह हो गई सब ले ली, बहुत जद्दोजहद लगी, दुबई में इतना आसानी से आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बट हमको मेरे तकदीर अच्छी थी कि मुझे अच्छे लोग मिल गए दुबई में, बिल्कुल मेरे पार्टनर्स दो पार्टनर्स, मेरे पार्टनर का नाम है आफ्ताब भाई, एक है देविका, तो वो मेरे वहाँ पे एकेडमी में उन्होंने खोल दिया मेरा। हैंडल तो सब आगे ही कर रहे हैं। अरे भाई चलो क्या बात है, चलो अरे भाई 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 अरे एक बार उड़ी उड़ी मारो ना, उड़ जाओ वंस मोर क्या करता है। हां जी जी वो अब्दुल आ गया घर से बाहर। नहीं हां कल ही की न्यूज़ है, नहीं अब्दुल नहीं आएगा। नहीं 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 अब्दुल नहीं, वो तो बीमार हो गया था, वापस गया। अच्छा वापस गया, अब वापस गया, ये देखता नहीं है। मारो इसको मारो मारो, एक मिनट सॉरी, मारो इसको, झूठ झूठ अब बोल रहा है, झूठा अफवाह फैला रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा झूठ 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 अफवाह फैला रहा है। अरे ये सत्या आ रही है जैस्मिन, ये मेरा सबसे पुराना, इधर आओ ना जान जान, ये तो मेरी जान है, ये तो मेरा कोरियोग्राफर है, मेरे कोरियोग्राफर है पूरा, अभी गाना कर रहा है पीछे राखी का गाना अभी, कल साल आना जरूर, कल मैं एकदम फाड़ू कौशल करने वाली हूँ इधर। सर्दी हो गया, हाँ सर्दी है, पता नहीं क्यों चांद पे गई थी ना दिवाली मनाने, चांद पे गई, मैं चांद पे गई थी तुझे मालूम नहीं, तारा ता, ता। टॉम क्रूज के साथ हॉलीवुड की फिल्म चल रही है ना मेरी, ओके बहुत अच्छा रोल कर रही हूँ टॉम क्रूज के साथ, मालूम है कि नहीं। मैं नीचे था मुझे पता नहीं। ऐसे लोगों ऐसे लोगों को चांद पे क्या मंगल ग्रह भी ना बुलाए, मैं तो हर ग्रह पे हर प्लैनेट पे घूमती रहती हूँ। चलो